इस तरीके से एक ड्राइंग दिखाने जा रहे हैं। ये आपके जो डब्बे आते हैं तो सामान के, जिसमें वो शर्ट रख के आता है तो हम उसको फेंक देते हैं, तो ऑटोमेटिक ये देखिए आपके लिए वॉल पे लगाने के लिए बन गया है। इसमें आपको होल भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इस जगह पे आपको पड़ा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पेपर में रैप करके लगा दिया है। ये जो हम लोग पास फोम आते हैं उस फोम के फ्लावर बना दिए हैं और ये लगा दिया है, ठीक है। ये देखिए जब कंप्लीट हो गया है, अभी इसको हम लोग पेंट करेंगे तो आपका एक वॉल हैंगिंग रेडी होने वाला धीमे धीमे। अभी और भी कुछ कर सकते हैं, बच्चों के लिए तो थोड़ा ही करेंगे, वरना ऐसे फ्लावर यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। अब हम इसको पेंट करने जा रहे हैं डार्क ब्लू से, ओके। पानी गिर रहा है, पानी येलो लाइट ग्रीन लगा दिया है और ये वाटर कलर से कर रहे हैं। तो वाटर कलर में ये प्रॉब्लम है कि अगर इसको पानी से हमने पोछा तो ये फैल जाएगा, और एक्रिलिक कलर से अगर हम लोग करते हैं और वाटर आप पोछेंगे तो ख़राब नहीं होता है। तो ये दोनों इसमें ये चीज़ें, इसमें आपको क्या करना है, प्लास्टिक से कवर करना पड़ेगा। देखिए कितना सुंदर लग ही नहीं रहा कि आपने पेपर कटिंग करके लगाया है, बिल्कुल अच्छा सा लुक का लगता है। तो बच्चों को स्टेप्स हम सिखाते रहते हैं वेस्ट आइटम में कैसे आपको ये सब बनाने हैं। और स्कूल में भी NMC से नोटिस आई है कि जो भी वेस्ट आइटम आप लोग रोड पर मत फेंकें, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है, हर नाले जाम हो जाते हैं। तो अगर आप लोग ये सिर्फ चीज़ आती रहेगी तो उसको यूज़ करके किसी गिफ्ट देना है तो गिफ्ट दे सकते हैं, मार्केट से आपको सामान नहीं खरीदना पड़ेगा, ये बेनिफिट आपको रहेगा। इसलिए बच्चों को वेस्ट आइटम सिखाया जाता है अभी से, कि बच्चे वेस्ट आइटम को कैसे यूज़ करें। जो आर्टिस्टिक होते हैं वो घर में कोई भी कचरा होता है कोई चीज़ फेंकते नहीं है, उनको उसमें भी आर्ट दिख जाती है और वो अपने पास इसको रख लेते हैं और उसे एक अच्छी सी ड्राइंग बना करके प्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों को छोटे से यही सिखाया था, पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं कि इतना सारा मैम लोग काम दे रही हैं, इतना सारा काम दे रही हैं, बच्चों पर टाइम कहाँ है। बच्चे अभी से ये सीखेंगे तो आगे जाके इनकी लाइफ में काम आएगा, कभी इसी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसी को पेंटिंग को यूज़ करके घर को सुंदर सजा सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर में आपको काम आ जाएगा। देखिए स्टेज में रेड रेड कलर करना है आपको, आप लोग और सुंदर करेंगे इसको, ये हैंगिंग के लिए रेडी हो जाएगा स्टेप से।